तो कैसे यार, पर इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया और डैमेज देने के साथ साथ इसके ऊपर मैंने राश कर दिया, क्योंकि देखो यार सोलो में सिचुएशन और मुझे पता था कि बंदा ये मारेगा, तो इसलिए मैंने ग्लू वॉल पसाया। लेकिन कैसे इसका किस्मत इतना अच्छा कि इसका जो पैन है इसको ने अच्छी तरीके से इसको बचा लिया। और कैसे यहाँ पर जो है मेरा स्किन जो है मतलब पूरा तरीके से लैग हो चुका है, मतलब स्किन कोई काम ही नहीं कर रहा। और कैसे इसको थोड़ा मतलब मारने के साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉट कर लिया। तो गाइस नया सीजन शुरू हो चुका है सीजन 27। तो गाइस इस सीजन में हम लोग सोलो में ग्रैंड मास्टर पुश करने वाले हैं। अगर गाइस आप लोग सपोर्ट करते हो तो जरूर से जरूर ग्रैंड मास्टर पुश करेंगे। और गाइस आप लोग अगर देखना है कि मास्टर ग्रैंड मास्टर में कैसा गेम प्ले होता है और कैसे ग्रैंड मास्टर में सोलो में खेलना पड़ता है, डुओ में खेलना पड़ता है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल के साथ बने रहिएगा। इस सीजन हम लोग मास्टर पुश करेंगे। और गाइस ऐसा एक बंदा चाहिए जो मुझे पुश करने वाला बंदा चाहिए तो हो सके कमेंट में यूआईडी अपना पेस्ट कर देना, ठीक है। चलो इस मैच को देख लो, पहला वाला मैच तो हमारा और वो वाला सोलो मैच, तो देखो गाइस इन जगह। तो गाइस ये सीजन शुरू हुआ था और यहाँ पर मैं सोलो गेम प्ले कर रहा हूँ। एक स्क्वाड पहले खेला था लेकिन यहाँ पर मैं उतर मतलब उतरने के लिए यहाँ पर सोचा कि ब्लू जोन में उतरूंगा, क्योंकि देखो यार ज्यादा बंदा नहीं उतरेंगे क्योंकि अभी सब लोग सेफ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे से एक बंदा आ रहा था, मैंने सोचा कि एक गन ढूंढूंगा और गन ढूंढने के साथ उसको मारूंगा, लेकिन वो तो भाग गया। लेकिन सामने और एक बंदा उतरा, गाइस मैंने थोड़ा टाइम भी वेस्ट नहीं किया और इसके पीछे भाग गया। और इसके पीछे भाग आने के साथ ही साथ क्या फायदा हुआ, देखो उसने मतलब गन सिर्फ लूट ही रहा था तब भी मैं अचानक उसको जाके हेड पे मार के खत्म कर दिया। खत्म करने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने लूटपाट किया और करने के साथ साथ मुझे गन साउंड आया पीछे से, तो मैंने देखा इस साइड तो बंदा उतरा था, वही बंदा बता होगा। तो गाइस मैंने क्या किया मतलब फटाक से इधर आके उसको मारने की यहाँ थोड़ा डैमेज दिया। तो गाइस यहाँ पर एक सीन हो गया यार, मतलब मुझे घोस्ट समझ यार मतलब भूत यार एक भूत हो गया भाई। देखो यार यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एनिमी इस साइड गया है ना, तो मैं सीधा इसके ऊपर राश किया। देखो अभी तक दिखाई दे रहा है कि एनिमी है, तो गाइस इसके पीछे मैं सिर्फ घूम के गया पीछे, देखो एनिमी है मैं पीछे घूम के गया और गाइस एनिमी हवा, गाइस एनिमी यहाँ पर नहीं मिला भाई, पत्थर के पीछे भी नहीं था बंदा, बंदा कहाँ गायब हो गया भाई। मैं बहुत टाइम से ढूंढा भाई, बंदा नहीं मिला था भाई, कहाँ गया बंदा वही पता नहीं। देखो पत्थर के पीछे नहीं, उस घर के पीछे नहीं, बहुत ढूंढा गाइस लेकिन मिला नहीं मुझे, शायद ये घोस्ट था कोई या बॉट था, गाइस स्पॉन हो गया। तो गाइस वो उधर मैं छोड़ के इधर आ गया, क्योंकि देखो सोलो में थोड़ा सेफ खेलना पड़ता है क्योंकि एक ही बार चांस होता है आप लोगों को जिंदा रहने का, है ना। तो जोन के साइड साइड मतलब मैं जोन के साइड साइड ज़्यादा जाता हूँ, तो देखो गाइस इसके मतलब फ़ायदा भी है। देखो सामने एक बंदा जा रहा है उसको भी फेल दिया, क्योंकि जोन में पीछे पीछे तुम जोन के साथ अगर जाओगे तो बंदा भी जोन के साथ साथ जाता है तो तुम मार सकते हो। अगर आप पहले तुम घुस के रहोगे तो भाई सब तुम का आकर मार सकते हो। और यहाँ पर एक बंदा था, इसको ओपी वाला हेड देके मार दिया, ये बंदा थोड़ा मतलब कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं लेकिन मार दिया। और गाइस यहाँ पर दूर से मुझे एनिमी एक दिखा तो मैंने इसको मारने के लिए आया, तो गाइस ये बंदा बहुत ही शातिर बंदा था, तो इसने क्या किया मेरे साथ साथ इसने भी ग्रेनेड किक किया, मतलब इसका टाइमिंग से उसका टाइमिंग ज़्यादा फास्ट था। मैं यहाँ पर ग्रेनेड कुकी कर रहा था तभी अचानक इसने ग्रेनेड फेंक दिया और गाइस मैं यहाँ पर भाग बाल वाल बच गया, लेकिन यहाँ पर ग्लू वॉल से पैक हो गया। और गाइस इसका किस्मत इतना ख़राब था कि ये भाग ही नहीं पाया, गाइस यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया इसको। तो गाइस इसको ख़त्म करने के साथ मैं यहाँ पर हील किया और हील करने के साथ साथ जो और भी दो बंदा जो है बाहर से आ रहा था उन लोगों के भी देखो जोन के साथ साथ जाओगे तो यही फ़ायदा होगा कि तुम एनिमी को मार भी सकते हो, लेकिन गाइस तुमका थोड़ा सा स्किल होना चाहिए तब जगह तुम मार सकते हो सोलो में। गाइस देखो यहाँ पर दो बंदे को खत्म करने के साथ मेरा 6 किल हो चुका है। और गाइस अभी खतरनाक वाला सीन होने वाला है, क्योंकि सामने एक बंदा है, वो जो बंदा है इतना भी प्रो नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ये कैंप करके खेल रहा था। तो गाइस इस बंदे को मैं यहाँ से डैमेज देता हूँ, यहाँ से डैमेज देने के साथ साथ मैं उधर जाता हूँ, उधर जाके यहाँ से भी डैमेज देता हूँ गाइस, लेकिन मेरा हेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्यों हेट नहीं कनेक्ट हो रहा था गाइस, पहला सेकंड मैच था इसलिए होता। तो गाइस यहाँ पर मुझे पता था, देखो जब भी तुम लोग राश करो ना इस साइड एक ग्लूअल लगा दो क्योंकि वो मारने के चांस होता है। देखो उसने फायर किया तो मेरे पास देखो M10 था गाइस, फिर भी वो बच गया, मुझे पता नहीं क्यों बच गया, मतलब उसका पैन सारे का सारे गोली उसका पैन पे ठुक गया गाइस। और यहाँ पर गाइस सीन बन गया यही कि मेरा स्किन पे बहुत हाथ घम चुका था गाइस, यहाँ पर स्किन लैग हो रहा था मतलब अटक जा रहा था। और गाइस देखो अचानक मेरा स्कॉट गन सिलेक्ट किया और गाइस मतलब फायर ही नहीं हुआ, शॉट गन सिलेक्ट किया लेकिन गन चेंज हो गया। तो गाइस यहाँ पर मैं 6 किल के साथ मारा गया और ये भी 6 किल लास्ट किल था। तो गाइस बाय।